मासानाम कार्तिक श्रेष्ठ हो, देवानाम मधुसूदन है। मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ माना जाता है। इस कार्तिक मास में दान का बहुत महत्व होता है। जल दान करने से तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, तिल के दान से इच्छित संतान की प्राप्ति और दीप के दान से उत्तम नेत्र ज्योति प्राप्त होती है। त्रयोदशी से लेकर द्वितीया तक आप सब जानते होंगे कि ये 5 दिन कार्तिक मास के बड़े महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं, उत्सव के दिन माने जाते हैं। इसमें दीप दान करने का बहुत ही लाभ शास्त्रों में भी वर्णित है। त्रयोदशी से लेकर द्वितीया तक देव मंदिर, गौशाला, तीर्थ, देववृक्ष, तुलसी, आंगन, जल स्थानों में दीप दान यदि किया जाता है तो जिन पितरों का हम श्राद्ध नहीं कर पाए हैं वो पितर भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। त्रयोदशी से लेकर नूतन वर्ष तक क्या करना चाहिए, वैदिक परंपरा से कैसे दिवाली मनानी चाहिए, उन सब के मंत्र और विधि विधान YouTube की दिवाली लिंक्स में दिए गए हैं, वो आप देख लेना। धनतेरस की शाम को भगवान यमराज के निमित्त दीप दान करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। वो कैसे करना है वो भी आप उस लिंक में देख सकते हैं। अब हम बात दीप दान की करते हैं। दीप दान में शास्त्रों में जो वर्णित है वो आकाश दीप का बहुत महत्व बताया है। क्या होता है आकाश दीप दान? घर या देव मंदिर के सबसे ऊंची छत पर दीपक प्रज्वलित करने को आकाश दीपदान कहते हैं। भगवान राधा दामोदर प्रसन्न होते हैं इस दीपदान से। आकाश दीपदान कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात और रात्रि के प्रथम प्रहर अर्थात 6 से 9 के बीच में यह आकाश दीपदान करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक मास में सभी दिन दीपदान का महत्व बताया गया है, परंतु अगर ना किया जा सके तो विशिष्ट पर्वों पर दीपदान का अति महत्व होता है। अब दीपदान 2 प्रकार से होता है। यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करते हैं तो सबसे ऊंची छत पर, घर की या देव मंदिर की छत पर हमें दीपदान करना चाहिए, जिसका मंत्र स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। मंत्र इस प्रकार है, दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। दूसरा, यदि हम भगवान विष्णु, रुद्र, यम, पितर और प्रेतों के निमित्त दीपदान करते हैं तो उसका मंत्र इस प्रकार है, नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। जब हम इन 5ों के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमें 4 मुखी दीपक की आवश्यकता होती है, और यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करते हैं तो उसमें 1 दीपक भी पर्याप्त है। भगवान शिव ने कार्तिक को दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की प्रियता के निमित्त घी का दीपक प्रज्वलित करता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आकाश दीपदान से मनोरथ पूर्ण होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। कहा जाता है कि आकाश दीपदान सबसे घर की और देव मंदिर के सबसे ऊपर की छत पर प्रज्वलित होता है तो ब्रह्मांड में निहित देवताओं की तरंगे वो दीपक अपने भीतर लेता है और अनिष्ट शक्तियों का विनाश कर हमारे घर को अनिष्ट शक्तियों से बचाता है। दूर से भी इस दीपदान का दर्शन पुण्यदायी माना जाता है।